तो ऐसा होता है अगर कोई आदमी आपके घर के खिड़की से आपके घर के अंदर आ जाता है और आपके घर के अंदर आकर आपको मारने का कोशिश करता है या आपको थ्रेट करता है, तेरे घर में जितना पैसा है या जितना ऑर्नामेंट्स है सब कुछ निकाल दे, ये तो तुझे खून कर दूंगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ आप क्या एक्शन ले सकते हो? सो वीडियो का अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो अंत तक देखिए, फिर मैं कह लीजिए जरूर मजा आएगा। सो लोग जब भी कोई आदमी आपके घर के अंदर आता है, चाहे वो खिड़की से हो या दरवाजा तोड़कर, खिड़की तोड़कर या दीवार फाड़कर या दीवार में छेद कर जैसे भी आ जाए, लेकिन आपके कंसेंट ना लेते हुए आए, मतलब आपके परमिशन ना लेते हुए आए, तो आप चाहो तो उसके खिलाफ सेक्शन 447 एज वेल एज सेक्शन 448 के मुताबिक एक केस भी फाइल कर सकते हो। अगर वो कोर्ट में प्रूव हो जाता है तो उसके लिए 3 साल तक का सजा हो सकता है। वैसे सेक्शन डील करता है सेक्शन 441 आईपीसी मतलब क्रिमिनल ट्रेसपास एज वेल एज सेक्शन 442 आईपीसी जो डील करता है हाउस ट्रेसपास एज वेल एज सेक्शन 442 जो डील करता है हाउस ब्रेकिंग। अगर कोई आपके प्रॉपर्टी में आपके परमिशन ना लेते हुए घुस जाता है तो आप चाहो तो क्रिमिनल ट्रेसपास के मुताबिक उसके खिलाफ भी केस कर सकते हो। अगर आपके घर का दरवाजे या खिड़की को तोड़कर कोई घुस जाता है तो हाउस ब्रेकिंग के मुताबिक केस कर सकते हो। तो लोग अपने वीडियो लाइक दीजिए, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।